एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रयागराज से जुड़ी हुई है। सिंगर समर सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने समर सिंह की जमानत मंजूर कर ली है। आकांक्षा दुबे की मौत मामले में समर है आरोपी। आकांक्षा दुबे की मां ने दर्ज कराया मुकदमा, लेकिन जो आरोपी है समर सिंह, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले का, उसे हाईकोर्ट ने राहत दी है, जमानत दे दी है। आकांक्षा दुबे की लाश होटल में, बनारस के होटल में बरामद की गई थी। मोहम्मद गुफरान हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुफरान, किस आधार पर ये बेल मिल गई है समर सिंह को? देखिए, जो आकांक्षा दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उस मामले में समर सिंह को आरोपी बनाया गया था। और इस पूरे मामले को लेकर के उनकी तरफ से जो दलील दिए गए थे, वकीलों का ये कहना था कि समर सिंह ना ही मौके पर मौजूद थे और ना ही उनसे किसी तरीके का उस समय घटना के समय कोई संबंध था। तमाम ऐसे जो तर्क हैं वो दिए गए। उन्होंने कहा कि ये निर्दोष हैं, साजिशन इनको फंसाया गया है। तमाम ऐसी चीजें थी जिसको रखा गया। हालांकि सरकार की तरफ से इस पूरे जो इनकी याचिका थी जमानत की, इसका विरोध किया गया है, लेकिन कोर्ट ने मामले में साक्ष्य और परिस्थितियों को देखते हुए जो समर सिंह है उनको जमानत पर रिहा करने का जो आदेश है वो पारित कर दिया। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि समर सिंह ना ही गवाहों को एक तरीके से किसी तरीके से धमकाएंगे और ना ही जो साक्ष्य हैं, सबूत हैं, उनको उस किसी तरीके का टेम्पर करेंगे। इस तरीके के तमाम जो गाइडलाइन है वो भी कोर्ट ने दिया और ये भी कहा है कि ट्रायल में सहयोग करेंगे समर सिंह जी। शुक्रिया मोहम्मद गुफरान इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।